क्या नाम है आपका? जी तारक भट्टी। तारक भट्टी साहब, क्या करते हैं आप? जी मैं ढोलक प्ले करता हूँ। अच्छा, ढोलक कब से प्ले कर रहे हैं? करीबन 20 साल हो गए मुझे। सब क्या एज थी जब आपने पहली बार ढोलक को हाथ लगाया था? करीबन 15 साल। अच्छा, 15 साल का बच्चा ढोलक बजा रहा है, घर वाले क्या कहते थे? नहीं, घर वाले, मेरे घर में भी ये काम होता रहा। अच्छा। मेरे जो चाचू हैं वो खुद गाते हैं और हमारे घर में ये था और घर वालों ने मुझे पूरी सपोर्ट की। अच्छा, उन्हीं को देख देख के शौक फिर आप में आया? जी बिल्कुल, ये घर में था तो ये देखकर मुझे शौक पड़ा। क्या रिस्पांस मिलता है लोगों की तरफ से और जहाँ जहाँ आप इवेंट्स करने जाते हैं वहाँ से? जो अच्छे लोग होते हैं, जो शौक रखते हैं इस काम का, उनसे अच्छा रिस्पांस मिलता है। जिनको नहीं समझ उनसे वो रिस्पांस नहीं मिलता। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बस ये मैसेज कि जो भी कोई ये काम कर रहा है, उस्तादों की खिदमत करे, उनसे सीखे अच्छी तरीके से, इस पे मेहनत करे तो फिर उसमें बरकत आएगी, आगे निकलने के चांस होते हैं। सही है। प्रोग्राम का नाम है दिल दियां गल्लां, तो कोई दिल दी गल सुना दो। दिल दी गल यही कि बस अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ, अच्छा खाना, अच्छा पीना, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। मुसव्विर साहब, क्या करते हैं? बस ये फ्लूट प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं साथ साथ। अच्छा, मतलब यहीं पे आप इसी पार्क के एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, नाइस। कब से फ्लूट प्ले कर रहे हैं? तकरीबन हो गए 6-7 साल हो गए। पहली बार जब फ्लूट को हाथ लगाया था तो लगता था कि 6-7 साल बाद मैं किसी जगह का एम्प्लॉय हो जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं था, बस शौक था, शौक से फिर प्रोफेशनल हो गए हैं और साथ साथ बस ड्यूटी भी है। घर वाले सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को जो इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर होते हैं? जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, घर वाले तावन करते हैं। अच्छा, मेरे घर वाले अगर मैं बांसुरी बजाती, मेरे घर वाले कहेंगे एक ही काम कर रही है, छोड़ दे, ऐसा करते हैं ना? हाँ, ये तो होता है, क्योंकि सारे बंदे एक जैसे तो नहीं होते, घर में 2-3-4 जो होते हैं, एक ऐसा निकल आता है जो इसकी थोड़ा सा खिलाफ करता हो। हाँ, मेरे चाचा जो थोड़े इसके खिलाफ हैं, बाकी सब ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कभी बाबा ने तंग आके फ्रूट तोड़ दिया हो कि नहीं भाई नहीं, ये नहीं करना, ये उल्टे कामों में पड़ गया? क्योंकि नॉर्मली सिंगर्स की और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स की लाइफ ऐसी गुजरती है। जी ये तो है, बस शौक है, पर क्या करें, लगे हुए हैं, सब बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, सब बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब ऐसा हुआ है कभी? जी बहुत हुआ है। तोड़ी गई है फ्रूट? नहीं, तोड़ी तो नहीं गई, लेकिन ये हुआ कि मिली नहीं है मुझे। अच्छा, छुपा दी? हाँ जी, मिली नहीं।
चले चले ठीक हो गया। कोई ऐसा वाक्या जो आपको याद हो, जहाँ पे आपको लगा हो कि आपने आज की परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन दी थी, वो सुनाएं। बस ये मौसीकी है ना, हो सकता है अभी बैठे तो रच जाए तो जहन जो है ना हो जाता है, लेकिन टेंशन हो या कोई ऐसा मामला हो ना, तो ये म्यूज़िक कोई भी म्यूज़िक है, चाहे इंस्ट्रूमेंटल है चाहे गाने वाला हो, फोक हो, ये वोकल हो, उसमें वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि ये टेंशन फ्री काम है, रिलैक्स होके करने वाला रिलैक्स होके काम होता है। प्रोग्राम का नाम है दिल दियां गल्लां, तो कोई दिल दी गल सुना दो। दिल दी गल है कि बस अल्लाह पाक जड़ा ना असा सारे ने ईमान नहीं मौत देवे, ये सब तो बड़ी गल है, क्योंकि ये जिंदगी आरजी है, ये चंद दिहाड़े है, फिर अगे हमेशा हमेशा, बस ये कि मौत ईमान नाल आवे और रिज़्क़े हलाल नसीब होए, बस आमीन। थैंक यू।